गुड इवनिंग एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों गुड को? इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। यस स्क्रीन विजिबल है ना? सर। ठीक यस सर। यस। ठीक ठीक तो हाँ, कल हम लोग इंस्टॉलेशन आर्ट के टाइप्स के बारे में और उससे जो रिलेटेड टर्म्स है, कुछ जो उसके प्रैक्टिस को लेके है, उसके एप्लीकेशन को लेके है, उसका जो पर्पस है, उन चीज़ों के बारे में, उससे रिलेट उस संदर्भ में जो टर्म्स अवेलेबल है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक इंस्टॉलेशन आर्ट को उस तरीके से देख रहे थे, जैसे कि ऑब्जेक्ट हुड हम लोगों ने देखा है ना। तो अभी हम लोग आज कुछ और टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इंस्टॉलेशन को पार्टिसिपेशन इन आर्ट इस नज़रिए से भी देखा जाता है, क्योंकि जो 1960s के बाद से जो इंस्टॉलेशन है उसको एक तरीके से रिकॉन्सेप्चुलाइज्ड एस्थेटिक एक्सपीरियंस के तौर पे प्रैक्टिस किया गया, जिसमें जो मिनिमलिस्ट और आर्टिस्ट थे वो तमाम तरीके के जो फिनोमिना होते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होके उनको फिर एक आर्ट फॉर्म के तौर पर रेंडर करते आए हुए हैं। और उसके पीछे का उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि एनी हाउ जो पीपल है, जो उनके ऑडियंस है, वो उसके साथ पार्टिसिपेट करें, वो उनके साथ एक ऐसा पार्टिसिपेशन हो कि वो जो भी मैसेज हो, जो भी संदेश एक कलाकार प्रसारित करना चाहता है वो प्रसारित हो, वो उसको रिसीव करें, उसके साथ जो है रिएक्ट करें, और जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है, उनका जो इंटरेक्शन है वो उस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन में जो भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए गए हैं, जो भी स्पेस का एक मैनेजमेंट है, उस अरेंजमेंट के थ्रू जो, या फिर जो भी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, बिल्डिंग्स, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लाउड गेट जो अनीश कपूर का है ये आपको दिख रहा है, तो जो ये क्लाउड गेट है अनीश कपूर जी का, अब क्या है, क्लाउड गेट में जो सराउंडिंग है उसका एक इफेक्ट है ऐसा, वो उन्होंने इसका नाम क्लाउड गेट नाम भी इसी वजह से दिया था क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन था वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन जो था वो स्काई का था, क्लाउड्स का था। इसके साथ साथ जो स्पेस का जो उस स्थान का जो चुनाव किया गया जहाँ पे इस इंस्टॉलेशन को रखना था, इंस्टॉल करना था, उस स्थान में जो सराउंडिंग में चीज़ें थी, जो बिल्डिंग्स थी, ठीक है, जो एक अवेलेबल स्पेस था, सो दैट पीपल, जब लोग जब उसके साथ उसको जब देखने के लिए उसके करीब जाए, उसके पास जाए, तो दे कैन सी देयर ओन रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसा करके एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए जो सिचुएशनिस्ट इंटरनेशनल यानी ऐसा ही फ्लक्सेस आर्टिस्ट जो है, इन लोगों ने व्यूअर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है आर्ट को लेके उस पे ज़्यादा फोकस किया था। इस मूवमेंट के जो जो कलाकार थे, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट थे, इन्होंने जो ऑडियंस थे, जो लोग थे जो इंस्टॉलेशन को देखने के लिए आ सकते हैं, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, डायरेक्टली वो क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उस चीज़ों को इन्होंने इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में शामिल किया गया। अब जब हम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं ना, तो पार्टिसिपेशन दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो एक होता है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन, दूसरा होता है पैसिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से बताऊं तो डिफरेंस यही है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, ठीक है, वो सोचता है, और जो थिंकेबल होता है, जो थिंकिंग करता है, और जो पैसिव पार्टिसिपेंट होता है वो थिंकिंग नहीं करता। अब मान लीजिए ये सिर्फ इंस्टॉलेशन के लिए ये जो टर्म है ना, पैसिव और एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये ज़्यादा मायने रखता है ना, ऑडियंस का जो नेचर है वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इंस्टॉलेशन का जो करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं जो फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं, जो पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं,
उन इवेंट्स का उन इवेंट्स को एक तरीके से नरेट करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ों का मायने बहुत रखता है। अब जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप लोग एग्जीबिशन करते हैं गैलरीज में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस आते हैं गैलरी में जो लोग आपके आर्ट वर्क को सरसरी निगाह से, मतलब चलते चलते देखते 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 गैलरी से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनसे अगर आप पूछते हैं कि आपने इस एग्जीबिशन में देखा क्या, ठीक है, तो उनके पास अगर हाथ में कैटलॉग है या फिर कोई उस एग्जीबिशन से रिलेटेड पोस्टर है, होर्डिंग है, कुछ भी है, कोई टेम्पलेट है, कुछ भी उनके हाथ में लगा या उनके निगाह उस पर पड़ी, जो कुछ वो रिकॉल कर पाएंगे वही वो बताएंगे, जो कुछ रिकॉल कर पाएंगे जो उनके विजुअल्स थे, ठीक है। और आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग टाइम देते हैं हर एक आर्टवर्क के साथ, एक इंटरेक्शन जो है उसको उसके उसको बन, स्था, उसको जो है बनाते हैं, उसको स्थापित करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तब जब उस ऑडियंस से वो जब इंटरेक्शन करते हैं 5 मिनट 10 मिनट हर एक आर्टवर्क के साथ बिताते हैं, तब उनसे अगर आप पूछते हैं कि आपने इस पे क्या देखा है, तब वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराते हैं जो भी पूछने वाला होता है। तो ये इस तरीके से होता है कि जो एक्टिव पार्टिसिपेंट है, जो दूसरे कैटेगरी है, जो सोचता है, जो समय बिताता है, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, वो एक्टिव पर्सन होता है जो कि आपके इंस्टॉलेशन के साथ पार्टिसिपेट करता है, और वह आपके कला के बारे में, उस इंस्टॉलेशन के बारे में, ठीक है, फिलोसॉफिकल लेवल पे भी क्वेश्चन रेज कर सकता है, कुछ इंटरप्रिटेशन दे सकता है, अपना ओपिनियन बता सकता है, ऑब्जेक्ट के बारे में, जो यूज्ड मटेरियल है, ऑब्जेक्ट है, टेक्निक है, उसके बारे में भी वो ढूंढता है, वो आर्टिस्ट कहाँ है, वो या फिर वहाँ पे क्यूरेटर कहाँ है, या फिर वहाँ पे उस आर्ट पीस के सामने कोई ऐसा संबंधित व्यक्ति खड़ा है जो कि उसके बारे में एक्सप्लेन करता हो या कर रहा हो, उसको ढूंढता है ताकि वो उससे बराबर ये चीज पूछे कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है, इन ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट कैसे किया, उसके अंदर जितनी भी क्यूरियोसिटी होती है, हर एक क्यूरियोसिटी को से संबंधित करके, संबंध स्थापित करके वो प्रश्न पूछता है ताकि वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सके। और ये अंत में जाके वो क्रिटिकल ओपिनियन देता है, और वह ये भी फाइनल में एक स्टेटमेंट जरूर लोगों तक पहुंचाता है कि उसको ये चीज देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ठीक है, या वो अच्छा है तो क्यों है, अगर खराब है तो क्यों, प्रॉपर जस्टिफिकेशन उसके पास होता है। वहीं पे जो पैसिव ऑडियंस होता है, पार्टिसिपेंट होता है, वो इन सब चीजों को लेके ज्यादा बोदर नहीं होता है, ठीक है, उसको नहीं मतलब होता है, वह सिर्फ इस इतने तक से ही सीमित रहता है कि वह जो है उस अरीना में एंटर हुआ, एंटर होने के बाद उसने देखा, देख के वो बाहर आ गया, उसने अपना प्रेजेंस दर्ज कराया, वही उसके लिए काफी होता है, ठीक है। जैसे कि ये वांग यांगेन का जो ये मिरर मिरर क्लाउड करके इंस्टॉलेशन आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, तो वो जो एक व्यक्ति वहां पे है वो उसके साथ कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये कई सारे इंस्टॉलेशन में जो आर्टिस्ट होता है जब वो इंस्टॉलेशन को इंस्टॉल करता है, जब उसका क्रिएशन करता है, तो वो जानबूझ के कुछ ऐसे स्पेस को जो है वहाँ मैनेज करता है ताकि जो ऑडियंस हो वो ऑडियंस उसके साथ घुसे, उसमें इन्वॉल्व हो, वो एक्सप्लोरेशन को जो है ना जरूर करे, ठीक है। और इस तरीके की चीजें मिनिमलिस्ट जो आर्टिस्ट है वो लोग ज्यादा यूज किए हैं। फ्लक्सिस मूवमेंट में हुआ है ऐसा ही कि लोगों ने क्रिटिकल लेवल पे इन चीजों को एग्जीक्यूट किया है अपने इंस्टॉलेशन आर्ट में। इसके ये जो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑफ आर्ट है, इससे कुछ मिलता जुलता, लेकिन उसको और भी थोड़ा आगे वाले लेवल पे लेके जाके हम लोग कुछ ऐसे इंस्टॉलेशन का कलाकार एक कुछ ऐसे इंस्टॉलेशन को भी क्रिएट करते हैं जिसको हम इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन बोलते हैं। अब ये इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन जो है बेसिकली इंस्टॉलेशन आर्ट का एक सब कैटेगरी है, ठीक। इसमें क्या है कि जो ऑडियंस होता है वो फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व होता है, और जो आर्टिस्ट होता है वो कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करता है कि ऑडियंस जो है अपना ब्रेन, उसका जो कॉग्निशन है, ठीक है, उसका सीधा संबंध उसके इंस्टॉलेशन से स्थापित होता है ना। जैसे कि
क्रिस्टोफर हॉक का और मार्टी रिमोरी और विंडिश और जेलर, इन्होंने 2006 में ओपन सर्किट नाम से एक इंस्टॉलेशन किया इंडोर, ठीक है। इसमें क्या था, वही इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जो फ्लो है उसके साथ क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके से चीजें ऑपरेट होती है, किस तरीके से चीजें वो हमें हमें महसूस होती है, जो चीजें विजिबल नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, हाउ कैन वी टच, हाउ कैन वी फील, हाउ कैन वी सेंस, ठीक है। सम टाइम कुछ आर्टिस्ट ने इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके का भी इंस्टॉलेशन किया कि दे कैन स्मेल इवन, ठीक है। उदाहरण के तौर पे गार्बेज से कुछ कलाकारों ने गार्बेज को लेके, जो फूड गार्बेज होते हैं, फूड डिस्कार्डेड चीजें होती हैं, उनको लेके भी इंस्टॉलेशन किया है, ठीक है, जिससे कि वो जो सड़ा हुआ जो गंध होता है वो गंध भी जो है जो दर्शक है वो महसूस कर सके, ठीक है। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द यूजर्स एक्टिविटी, वो जो वो एक्टिविटी जिनके थ्रू वो जो एक आर्ट पीस है उसके साथ वो रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। तो अच्छा, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन में भी कुछ अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन जो आर्टिस्ट है वो करता है, उसके लिए वो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करता है, जैसे कि मोबाइल बेस्ड इंस्टॉलेशन कर सकता है, जो लाइट्स हैं, एलईडी लाइट्स हैं उसके ऊपर, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे सकते हैं, बेन रूबिन नाम के एक आर्टिस्ट है, उन्होंने शेक्सपियर मशीन का मशीन के नाम से एक इंस्टॉलेशन को किया, ठीक है। अब जो जो भी टेक्नोलॉजी में चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, वेब बेस्ड इंस्टॉलेशन भी हम बोल सकते हैं, है ना, डिजिटल चीज़ों को इन्वॉल्व करना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को उसमें इस्तेमाल करना, उसका जो अपना स्वरूप है, अपना नेचर है, उस नेचर को उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके प्रॉपरली जो है ऑपरेशन में लेके आना, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। ये एक नर्वस स्ट्रक्चर 3 नाम से इंस्टॉलेशन है, ठीक है। ये एक स्क्रीन है, टच टच स्क्रीन है, बड़ा स्क्रीन है, जिसमें कुछ वेव लेंथ जैसी चीज़ों को कलाकार ने दर्शाने की कोशिश की। उसके बाद क्या है कि जो ऑडियंस जो जो ऑडियंस है वो कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, कि उसको जो फील होता हो, ठीक है, जिस तरीके से उसको महसूस हो रहा हो जब उसका प्रेजेंस इस समय उस स्थान पे हो, उस प्रेजेंस के हिसाब से ही कैन मूव दोज वेव लेंथ, है ना। तो ये एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं, जो ऑडियंस होता है, जो दर्शक दीर्घा दर्शक लोग होते हैं, वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद एक दूसरा टर्म है एक्टिवेटेड स्पेक्टरशिप, जो पार्टिसिपेशन में दो चीजें हुई थी, वो दो तरीके के जो पार्टिसिपेंट होता है, एक्टिव पार्टिसिपेंट और पैसिव पार्टिसिपेंट, वो दोनों लोगों का इस एक्टिवेटेड स्पेक्टेटरशिप में उनकी भूमिका बहुत अहम है। देखिए, स्पेक्टेटरशिप का जो मीनिंग होता है वो एक तरीके से एक गैदरिंग है, एक भीड़ को इकट्ठा करना, एक दर्शकों के एक समूह को समूह से संबंधित है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इंस्टॉलेशन आर्ट में कई बार इंस्टॉलेशन आर्ट का जो पर्पस होता है ना, वो पॉलिटिकल और फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस जो होता है, उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना, उन चीज़ों को नरेट करने का होता है। अब मोस्टली यही होता है ना, जो सोशल कंसर्न्स होते हैं, जो एक समाज में सामाजिक उथल पुथल होती है, कुछ राजनैतिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने, जो लोग यहाँ पे इस क्लास में जो लोग हैं इलस्ट्रेशन वगैरह की हिस्ट्री जानते होंगे, उनको पता होगा, या मैगजीन वगैरह के अप्लाइड आर्ट के, उनको पता होगा कि जब इलस्ट्रेशन की शुरुआत हुई थी ना, तो मैगजीन में जो पॉलिटिकल कंडीशंस थे उनको प्रेजेंट करना स्टार्ट हुआ था, है ना, वहाँ से मतलब शुरुआत हुई थी, ताकि वो एक इम्पैक्ट ला सके। वो एक जो एक कहते हैं ना कि आप लोगों ने न्यूज़ डिबेट में सुना होगा, एक बहुत रेगुलर कही जाने वाला वाक्य है, जिसमें जो न्यूज़ एंकर होता है वो बोलता है कि जनता ये जानना चाहती है, ठीक है। तो वो बेसिकली उस समय क्या कर रहा होता है कि वो एक बड़े ग्रुप में, मतलब एक तरीके से मास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो मास के लिए के बिहाफ पे कुछ प्रश्न पूछ रहा होता है। तो कलाकार जब, देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज में
जो, या फिर ऐसे बोलिए कि जब इंस्टॉलेशन की शुरुआत हुई तो जो कलाकार था उसने वो जिम्मेदारी ली थी, ठीक है, उसने वो जिम्मेदारी ली थी कि वो एक बड़े समूह के तरफ से उनकी तरफ से जो है अपनी एक बात कहे, उनकी जो समस्याएं हैं, समस्याओं के लिए एक बात कहे, जो कि जिम्मेदार लोग जो उस समस्याओं को दूर करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कर सकते हैं, जो ऑथराइज्ड लोग हैं, उन तक वो बात पहुंच पाए, ठीक है ना। तो ये मतलब एक वजह होता था जिसके वजह से इंस्टॉलेशन ज़्यादा हुआ, और इसी वजह की वजह से इंस्टॉलेशन की पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा हुई, इंस्टॉलेशन आर्ट की। तो इसको लेके ना दो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट है, एक ये है कि एक्टिवेटेड स्पेक्टेटरशिप है, दूसरा है ये डिसेंटर्ड सब्जेक्ट है ना, डिस्कोर्स करके, है ना। तो अब इसमें है क्या, ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये जो दोनों तरीके के आर्गुमेंट है, जाहिर सी बात है जो एकेडमिशियंस हैं, जो क्यूरेटर्स हैं, जो आर्ट क्रिटिक्स हैं, जो इंस्टॉलेशन आर्ट के प्रैक्टिशनर्स हैं, उन्हीं के द्वारा इन आर्गुमेंट को जो है ज़्यादा बल दिया गया होगा या फिर एंटरटेन किया गया होगा। ये बहुत ही साधारण सी बात है। देखिए चीज़ें क्या थी, एक सब्जेक्ट सब्जेक्टिविटी के आधार पे ही इन इन आर्गुमेंट को लीड किया गया। जैसे कि एक ये जो एफेक्ट एकम्पली एक करके टर्म है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कि एक ऐसी चीजें जो शाश्वत हो, ठीक है, जो एक बार करा जा चुका है बदला नहीं जा सकता, है ना। अब ऐसी चीजों को लेके जो बदला ना जा सका, ये एक एक समाज की एक स्थिति है, उस स्थिति को आर्टिस्ट जो है एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो उसका ध्येय यही होता है कि जो उसके दर्शक है वो दर्शक उस चीजों को समझ के उसको उसका एडॉप्शन उनके माइंडसेट में ऐसा हो कि वो स्थिर हो, ठीक है, और उन चीजों को लेके वो अगर मान लीजिए कुछ एक डेली लाइफ के प्रैक्टिसेस होते हैं तो उन प्रैक्टिसेस में उसको इनकॉर्पोरेट करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई राजनीतिक लेवल पे अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है जो गवर्नेंस में है, जो पावर में है, ठीक है, वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, तो जो नॉर्मल वोटर से जो आदमी जो जनता है, जो सिटीजन है, जो जो लोग वोट देंगे, जो इलेक्ट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, उनके माइंड में उन चीजों को लेके एक ऐसी अवधारणा को स्थापित कर देना कि जो कि बदलाव परिवर्तित ना हो पाए, ठीक है, और ताकि जब वो उस समस्या को आगे रख के जब भी वो वोट करें तो वो गवर्नमेंट को चेंज करें। तो ये एक 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 ये ऐसा तथ्य है, ये आर्गुमेंट शब्द का इस्तेमाल इसी वजह से हुआ है क्योंकि एक ऐसा तथ्य जिसमें ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन आर्ट का जो है मिसयूज होने का, दुरुपयोग होने का भी संभावना पूरा है। लेकिन वहीं पे एक दूसरा ग्रुप होता है, बोलता है इसमें दुरुपयोग क्या है, ठीक है, जब कम्युनिकेशन है, जब सच्चाई है, तथ्य है, तथ्यात्मक बातों का अगर कम्युनिकेशन है तो उसको होने देना चाहिए, राइट। अच्छा, दो जो आर्गुमेंट थे, ये आपका एक एक्टिवेटेड स्पेक्टेटरशिप और दूसरा जो आपका डिसेंटर्ड सब्जेक्ट, तो उसमें चीजें क्या थी। देखिए एक्टिवेटेड स्पेक्टेटरशिप में क्या थी कि उसमें फोकस था कि दोनों ग्रुप जो पैसिव और एक्टिव दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, अगर एक्टिव पार्टिसिपेंट है तो देन जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, जो एडवर्टीजमेंट के लिए या फिर किसी भी संदेश को प्रसारित करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज़ को बल देना, उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। जो हमारा एक्टिवेटेड पार्टिसिपेंट है, एक्टिव पार्टिसिपेंट है, वो परसीव करेगा, परसीव करने के बाद वो दूसरों को बताएगा तो दूसरा आएगा, ठीक है। अब इसमें जो पैसिव पार्टिसिपेंट है, जो अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला है, तो उसको जो मैसेज कम्युनिकेट जो आर्टिस्ट करना चाहेगा मैसेज कम्युनिकेट, तो वो आर्टिस्ट वो जो सुनता है वो सुन के वही मैसेज लेके जाता है, वो ज्यादा सोचेगा नहीं। तो उस तरीके से दोनों हर दो दो ग्रुप को लेके दोनों तरीके से जो उनका अल्टीमेट गोल है उसको अचीव करने का एक उद्देश्य जो है उसको अचीव किया जाता है। और जो दूसरा आपका है डिसेंटर्ड सब्जेक्ट, देखिए ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कम्युनिकेशन में
और बहुत काफी प्रैक्टिस होता है। जो आपका आर्ट मूवमेंट में जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो एक मूवमेंट है उसमें ज्यादातर चीजें जो है वो डी सेंटर्ड जो सब्जेक्ट है उसी पे ही ये क्या बोलते हैं आधारित है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये चीजें इस तरीके से हैं कि आप क्या करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस सब्जेक्ट को मल्टीपल लेयर में डिवीजन करके आप एम्फेसिस डिफरेंट तरीके से करते हैं, क्योंकि आपका ये मानना होता है कि जो लोग हैं वो डिफरेंट है, उनका माइंडसेट डिफरेंट है, उनका जो एक किसी भी चीज़ को परसीव करने का तरीका होगा, तौर तरीका होगा या फिर रवैया होगा वो भी डिफरेंट हो सकता है। तो उन लोगों को अगर ट्रीट करना है तो वो भी डिफरेंट तरीके से ही ट्रीट करना है। तो क्यों ना ऐसा करें कि जो कम्युनिकेशन के डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं होरिजोन पे अवेलेबल उनको उसी तरीके से डिफरेंट वे में इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है, ताकि बातें वैसे हो। जैसे कि आप इस ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इस स्लाइड में जो होलियो ओर्टिका का जो ब्लॉक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, उसमें क्या किया कि पीपल कैन फील दे कैन परसीव एनीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन बिहेवियर, देयर ओन सेटिस्फेक्शन। ओके, सो लेट देम फील विद द इंस्टॉलेशन। तो उन जो आदमी लोग बैठे हुए हैं इस मचान जैसी चीज पे उनके इंस्टॉलेशन का हिस्सा सिर्फ मचान है और ये एक हिस्सा हो गया। इन्होंने क्या किया इस पे अपना एकाधिकार नहीं रखा कि वो अपने तरीके से किसी एक स्कल्पचर या कोई स्कल्पचर या ह्यूमन फिगर का एक मॉडल 3D मॉडल तैयार करके उस पे नहीं रखने वाले हैं। उन्होंने छोड़ दिया ऑडियंस के ऊपर, यू गो एंड यू कैन फील द एक्सपीरियंस उस पे बैठने का, लेटने का, एक साथ दो लोग बैठने का, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट। तो वो एकाधिकार को शिफ्ट किया ताकि पीपल कैन अंडरस्टैंड वट एवर द मैसेज बींग स्प्रेड बाई द आर्टिस्ट इन देयर ओन वे। सो ये स्पेक्टेटरशिप का एक ये पहलू है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे। देखिए ये जो इंस्टॉलेशन के जो टर्म्स अभी मैंने कल और आज का मिला के जो भी मैंने बोला, देखिए इसको हम ऐसा बोल सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ठीक है। इसको और ज़्यादा समझने के लिए उतना ही डीप में आपको जाना खुद भी पड़ेगा। और मल्टी लेयर जो कहते हैं ना, मल्टीपल जो डेलिबरेशन होता है ना उसको एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दिक्कत ये है इसमें कि इसमें जो ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट का इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग आर्ट क्रिटिक या फिर स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर या फिर आर्टिस्ट के द्वारा किया गया है एक एक पर्टिकुलर टर्म को, वो बड़े डिफरेंट तरीके से किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे डिनायल का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। अगर एक पर्टिकुलर चीज को लेके कोई आर्टिस्ट अगर बोलता है कि नहीं भाई जो एक्टिवेटेड स्पेक्टेटरशिप है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल जो यूजेस है, ठीक है, देखिए सोशल अवेयरनेस इज वेरी डिफरेंट थिंग एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस वेरी डिफरेंट। और पॉलिटिकल अवेयरनेस इसी वजह से देखिए आर्टिस्ट के कई आर्ट वर्क को लेके कंट्रोवर्सी भी हो जाती है ना। तो क्या है कि अब पॉलिटिकल जो अवेयरनेस है वो अलग होता है और एक जनरल अवेयरनेस अलग होता है, एक फिलोसफिकल या साइकोलॉजिकल अवेयरनेस बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब समाज की समस्या है आदमी समझ ले, उसको बता देना क्या समाज है, तो उसका ट्रीटमेंट उसके हर एक व्यक्ति पे इंडिविजुअली हो सकता है। लेकिन जब पॉलिटिकल अवेयरनेस में जब चीजें उसमें वो सामाजिक मुद्दे आते हैं जिसमें उसका सोल्यूशन जो होता है ना वो कलेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में कलेक्टिव डिसीजन लेने के लिए आपके पास गवर्नेंस होती है। अब देखिए वहां पे कोई एकाधिकार मोनोपोली नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइम मिनिस्टर तो ही शुड हैव सम, ही मस्ट हैव सम कैबिनेट मेंबर्स ना, तो उनके साथ सलाह मशविरा करके देन ही टेक वन डिसीजन, ठीक है ना। तो यही जो है आपका डेमोक्रेसी होता है, ठीक है। डिजाइन डेमोक्रेसी एक टर्म है, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन आप लोग आर्ट डेमोक्रेसी ऐसे भी कर सकते हैं कि आपका, देखिए रिसर्च में क्या है कि हम लोग थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट को ढूंढते हैं, चीज़ों को फिलोसफिकली हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं, तो ये चीज़ें बड़े मायने रखती हैं। और ये हर बार आप पाएंगे जब आप खुद से स्टडी करेंगे, चार आर्टिकल उठाएंगे तो आप देखेंगे चारों आर्टिकल में एक ही चीज़ का इंटरप्रिटेशन में
एक ही चीज के इंटरप्रिटेशन में चार आर्टिकल में इतना विरोधाभास है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति, एक जो रिसर्चर है, उसने अपने रिसर्च में उस पर्टिकुलर टर्म को किस तरीके से इंटरप्रेट किया, उसका संदर्भ कॉन्टेक्स्ट, उसका सेट ऑफ माइंड क्या था, उसके सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या थे, तब आप जो है डिफरेंट टाइप का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेंगे मटेरियल को, एक्सट्रैक्ट करेंगे करके फिर आप एक फाइनल थॉट जो है प्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। और जो हमारा आर्ट होता है, इट इज सोशली वेल कनेक्टेड, हमेशा इंस्टॉलेशन आर्ट में स्पेशली, ठीक है, सोशली वेल कनेक्टेड होता है, समाज की एक भूमिका, एक समूह का जो है उसकी समस्याओं, उनकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ साइकोलॉजी उसको प्रेजेंट करता है, और उसका कनेक्शन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ होता है तो उसको भी वो वहाँ पे ब्रीफ जरूर करता है, ठीक है। तो इसलिए जो ये टर्म्स है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, यू हैव टू गो इन द डेप्थ टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, और इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, ठीक है। नाउ अब हम बेसिक्स पे आते हैं इंस्टॉलेशन आर्ट के, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वी कैन मेक फोर डिफरेंट टाइपोलॉजी ऑफ द इंस्टॉलेशन आर्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला है नॉन कलेक्टेबल, दूसरा है आपका लार्ज इन स्केल, तीसरा है टेम्पोररी, चौथा है सेंसरी रिच, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट ईच कैरेक्टर वन बाय वन। सो पहला है नॉन कलेक्टेबल, सो कैन एनी वन आंसर वट इज नॉन कलेक्टेबल, वट यू अंडरस्टैंड विद द नॉन कलेक्टेबल एज अ टर्म? Is there anyone who can answer? No. देखिए सिंपल से परमानेंट होता है, उसको फिर वापस मतलब चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, ये वर्ड है नॉन कलेक्टेबल, ठीक है। नॉन कलेक्टेबल मतलब कि एक कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्ट का मतलब लेना, ठीक है, संग्रहित करना, सही शब्द है। तो नॉन कलेक्टेबल मतलब जिसका संग्रहण, जिसको संग्रहित नहीं किया जा सके, ठीक है। तो ये एक इसका कैरेक्टर होता है। हालांकि अगर मैं इंस्टॉलेशन के संग्रहण की, क्योंकि एक पब्लिक प्लेस या फिर किसी का प्राइवेट प्लेस, अगर वहां पे इंस्टॉलेशन उसने ले भी लिया ना प्राइवेट कलेक्शन में, उसके पास बहुत बड़ा एक लैंड है, उसने अपने घर के उस बाउंड्री के अंदर रख भी लिया ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक सोशल अवेयरनेस, ये तमाम अलग अलग तरीके के जो पॉलिटिकल अवेयरनेस, इन सब चीज़ों के लिए वो एग्जीक्यूट किया है कलाकार ने उसको, इसलिए उसका उसका सृजन किया है, ठीक है ना। तो ये और जो पेंटिंग होते हैं, स्कल्पचर होते हैं, जो हमारे अलग अलग टेक्सटाइल है, इन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली जब क्रिएशन करते हैं, इनका जो साइज बहुत वृहद होने पे भी इतना ही होता है कि इंस्टॉलेशन के साथ अगर तुलना करें तो वो अपने आप में बहुत बड़े साइज का होने के बावजूद भी वो छोटा ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए एक तो एक ये बड़ा रीजन होता है कि जो क्या बोलते हैं, इसके बेचने की जो प्रक्रिया, सेल करने की जो प्रक्रिया है, ऑक्शन की जो प्रक्रिया है, उसको जो है एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो हमेशा जो मोस्टली जो आपके इंस्टॉलेशन आर्ट्स होते हैं वो कमीशन्ड वर्क होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप शहरों में जाते हैं, चौराहे होते हैं, ठीक है, कोई पब्लिक प्लेस है, पार्क है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन होता है वो जो लोकल गवर्नेंस होती है, नगर पालिका हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई बॉडी या यूनिट हो सकती है, या कोई प्राइवेट बंदा हो जिसका अपना एनजीओ हो, या फिर इफ ही वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर सोसाइटी, तो वो उस ऑब्जेक्टिव के साथ वहाँ पे फंडिंग किया हुआ होता है और वो होता है, वो उसका जो सृजन किया गया होता है। जैसे कि नेक चंद्र जी ने वहाँ पे क्या बोलते हैं रॉक गार्डन, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन किया, ठीक है। तो जो ये क्या बोलते हैं, अनीश कपूर ने क्लाउड गेट, जो उन्होंने यूएसए में शिकागो में इंस्टॉल किया है, ठीक है।
तो इट कैन नॉट बी कलेक्टेड ना, इट कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय एनीवन, ठीक है। अगर आपका पर्पज है ना कि इफ यू वांट टू सेल, इफ यू वांट टू अर्न, जैसे कि आपको एनी आर्टिस्ट इफ ही इज इन्वेस्टिंग अ सेट ऑफ टाइम फॉर एनी आर्ट, ही विल रिक्वायर सम समथिंग, ठीक है ना, जो उनको उसके लिए अप्रिशिएशन भी हो और उसका जो है कहते हैं ना कि उसका खर्चा भी चले, ठीक है। तो वो जो कमीशन होता है वो अपनी अपना जो है, अगर मैं बहुत छोटे शब्दों में बोलूँ तो उसका उसका जो अपना लेबर कॉस्ट है ना वो ले सकता है, लेकिन अगर वो ये सोचता है कि उसके लिए वो उसको सेल करना चाहेगा तो हमेशा वो छोटा बनाएगा जिसको वो इजिली जो है मूव कर सके, मीन्स कि वो पोर्टेबल, ठीक है ना। लेकिन जब वो आता है तो वो फिर इंस्टॉलेशन आर्ट की जो यूनिकनेस होती है ना वो बरकरार नहीं रह पाता, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर जो आपका इंस्टॉलेशन आर्ट का होता है वो होता है कि ये नॉन कलेक्टेबल होता है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर होता है कि ये लार्ज इन स्केल होता है, ठीक है। जो भी आप इंस्टॉलेशन आप देखेंगे कहीं पे भी देखेंगे तो आप हमेशा ये पाएंगे कि इनका जो साइज होता है ना काफी वृहद होता है ना, बड़ा साइज होता है ना। और इसका बड़ा होने का वजह, उसका रीजन ये होता है कि एक पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कल हमने स्पेस को पढ़ा था क्या, जो चलिए आगे हो सकता है होगा, कल हमने स्पेस को डिस्कस किया था, इंस्टॉलेशन में स्पेस की क्या भूमिका होती है, प्लेस की स्पेस। हाँ सर, ये बताया था आपने कि इंस्टॉलेशन में मतलब स्पेस भी होता है बहुत, मतलब उसका महत्व होता है इतना। हाँ, प्लेस का, प्लेसनेस का, ठीक है। देखिए जब आप ना रिसर्च कर रहे हैं ना तो एक आपको मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि जब आप उसके आर्ट में साइकोलॉजी जैसी चीजों का अगर आप एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं तो यू शुड लुक एट द स्कॉलर फ्रॉम रसिया, यूक्रेन और वो जो रीजन है जो सोवियत यूनियन के जो रीजन है, वे लोग साइकोलॉजी और फिलोसफी को लेके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आर्ट आर्ट में बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन है उनका, ठीक है। तो ये जो प्लेसनेस जो एक वर्ड है ना, इसकी उत्पत्ति उधर से ही हुई है, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल चाइना के लोगों ने किया है, ठीक है। हालांकि बाकी के भी आर्टिस्ट जो है इंस्टॉलेशन में उन्होंने हमेशा से प्लेसनेस को जो है कंसीडर किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इस्तेमाल जो है चाइना में हुआ है, ठीक है। तो क्या है ना कि और ये ना जो हमारा विजुअल आर्ट आर्ट एंड डिज़ाइन का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, जिसमें हम बोलते हैं कि नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस, आप लोग सभी लोग अवेयर है ना। Yes, वो जो प्लेस का जो जो जगह का स्थान का जो चुनाव किया जाता है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो स्पेस होता है वही प्रिंसिपल यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इंस्टॉलेशन का जब भी आप सृजन करते हैं तो सबसे पहले आप एक पब्लिक प्लेस का चुनाव करते हैं, आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द आता है कि इट शुड हैव अ पब्लिक प्लेस, ठीक है। अब अगर पब्लिक प्लेस है तो वो आपको जो क्षेत्रफल चाहिए ना उसके लिए वो बड़ा चाहिए, क्योंकि आप ये उम्मीद करते हैं कि हजारों की संख्या में भी पॉपुलेशन उधर आ सकती है। मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, वो बीच में कनेक्शन कट गया था। स्क्रीन दिख रहा है ना? तो क्या है कि आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि आपके जो इंस्टॉलेशन है उस इंस्टॉलेशन के साथ जो पार्टिसिपेशन होगा वो एक बार में हजारों का भी हो सकता है जब ओपन प्लेस है ना। और ऐसा भी होता है कि कई बार इंडोर में भी इंस्टॉलेशन किया जाता तो भी बड़ा जगह ही देखा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि आज के समय में जो एकदम रिसेंट जो टाइम है, रिसेंट टाइम में इंस्टॉलेशन जो है इंडोर गैलरीज के में भी होने लगा है, छोटे छोटे हिस्से में भी होने लगा है, वो मूवेबल भी है, ठीक है। लेकिन वो एक आगे मैं बताऊंगा टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन आर्ट, उसमें उसका एक जिक्र होगा, ठीक है। तो
मेनली जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो इसके लार्ज होने का, एक बड़ा होने का, बृहद स्वरूप होने का जरूर हम जो है उसको माइंड में रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो कैरेक्टर इसका है टेम्पररी, ठीक है। इंस्टॉलेशन जो होता है हमेशा टेम्पररी होता है, ठीक है, उसकी एक अपनी अवधि होती है, हो सकता है वो अवधि 10 साल की हो, 15 साल की हो, और कई बार ऐसा होता है कि इंस्टॉलेशन को लेके जो कलाकार होता है मूव करता है, जैसे कि सुबोध गुप्ता, उनका जो वो स्टील वाला जो पेड़ है दादा, ठीक है, जो वो उसको लेके जो है NGMA दिल्ली में भी एग्जीबिशन किए, ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज में भी एग्जीबिशन किए, है ना, तो उसको उन्होंने लेके इधर उधर शिफ्ट किया, तो वो एक जगह के हिसाब से टेम्पररी था, ठीक है, क्योंकि एक इसमें इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि अगर हम देखिए, दो बातें, पहला तो जो इंस्टॉलेशन का नेचर है उसमें डिसम्बलेज मतलब असेंबल कर रहे हैं तो डिसम्बल भी करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, और ये जरूरी है नहीं कि डिसम्बल की प्रोबेबिलिटी हो, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द आर्टिस्ट माइंड, ठीक है, रिक्वायरमेंट एंड द कमीशन वर्क है, तो जिसका भी जिसने भी किया हुआ है, ठीक है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके साथ डीड क्या है, इट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेता है असेंबलेज करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है ना। तो टेम्पररी इन इन टर्म ऑफ प्लेस होता है, और इसका सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस इस वजह से है टेम्पररी होने का, क्योंकि जो पर्पस होता है इंस्टॉलेशन आर्ट का, अगर वह पर्पस मैसेज को कहते हैं ना कंसर्न ओरिएंटेड मैसेज को मैनिफेस्ट करने का है, तो वो हमेशा से एक आशावादी जो विचार होता है ना उसमें ये होता है कि वो कंसर्न जो है ना परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, उसको मैं एड्रेस करूँगा, लोग अवेयर होंगे, जो भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा डिसीजन लेगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा, उसके बाद उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनकी कोई भी प्रासंगिकता मौजूद नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम हमेशा जो है इंस्टॉलेशन आर्ट को के कैरेक्टर में टेम्पररी को प्रधानता देते हैं, ठीक है। दूसरा आपका चौथा और लास्ट कैरेक्टर जो है वो है सेंसरी रिच, ठीक है, क्योंकि ये आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके दर्शक हो इंस्टॉलेशन के साथ वो पार्टिसिपेट करें, इंटरेक्ट करें, उनके सेंसेस जो है ना वो तुरंत जो है एक्टिव मोड पे आ जाए, है ना, उनका ब्रेन जो है फंक्शन करे, ठीक है, वो सोचने पे मजबूर हो, ठीक है, वो महसूस करने को मजबूर हो, ठीक है। इस वजह से एक इंस्टॉलेशन आर्ट में वो एबिलिटी होती है, वो पोटेंशियल होता है कि वो लोगों का जो माइंड सेट होता है उस पर एक खास तरीके का प्रभाव डाल सके, ठीक है। तो अभी जो कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस है उसमें टेक्नोलॉजी का इंस्टॉलेशन में ज़्यादातर यूज़ जो है ना उसका एक मुख्य कारण यही है कि सेंसेस को जो है ना इम्पैक्ट डालने का, ठीक है। तो इसलिए इसमें लाइट, साउंड, स्मेल, ठीक है, जैसे कि मैंने गार्बेज वाला एग्जांपल दिया, वो स्मेल को महसूस करा, वो जानना, वो लोगों को अवेयर कराना चाहते थे कि देखो भाई जो तुम गंदगी करते हो वो गंदगी जहाँ पे फेंकते हो वहाँ के जो लोग होते हैं वो यही महसूस करते हैं जो यहाँ पे रह के तुम महसूस कर रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यूज डिवाइसेस का यूज, जैसे कि पेटा है, पेटा जो है जब अपना कैंपेन करता है ना वीगन के लिए, मतलब लोगों को शाकाहार बनाने के लिए, तो वो क्या करेगा कि वो जैसे कि वो जो मटन जो क्या बोलते हैं उसको, गोट होता है ना, वो बकरा होता है ना जिसको काटते हैं, चिकन काटते हैं, बीफ वगैरह काटते हैं ना, तो उसका वो पैटी वैटी जो भी बनाते हैं, ठीक है, खाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन को ही इन्वॉल्व कर देते हैं, उनको उस तरीके से रेप्लिकेट करते हैं जैसे कि उसको उसको कट किया गया हो, उसको यूज करने के लिए, मतलब एडिबल फूड के तौर पे कट किया गया हो, वो जो कसाई अपने दुकान पे कट करता है ना, तो वो उस तरीके का काम किया गया हो, तो अब क्या है आदमी देखता है तो वो उसका जो पेटा का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना वो यही होता है कि यू शुड फील इट, ठीक है ना, आप वो ब्लड के जो डिफरेंट टेक्सचर्स है ना, वो हॉरेबल टेक्सचर्स है ना, उसको आप देखिए, उसको महसूस करिए, वो कितना हॉरेबल है और कितना दर्दनाक है, वो उस चीज को आप महसूस करिए, ठीक है। तो
इंस्टॉलेशन आर्ट मतलब नॉर्मली एक जो सर्जन लेमैन की जो अवधारणा होती है वो उनको यही लगता है कि मतलब कुछ भी लेके आप कुछ भी कर दो दैट इज इंस्टॉलेशन। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लेके कुछ भी नहीं होता है। इसमें एक पूरा ब्रेन काम करता है, पूरी साइकोलॉजी इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हम इतना तक करते हैं प्रैक्टिस की जो ह्यूमन सेंसेस है उनका इम्पैक्ट किन किन तरीके से पड़ता है, एक्टर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और बड़ा बड़ा डीप स्टडी होता है उसमें, मतलब 12 एक्टर्स हैं, 12 एक्टर्स हैं, हर एक्टर्स के डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं। उस उन सब चीजों का ध्यान में रख के ही जो है आप इंस्टॉलेशन करते हैं, क्योंकि जो उसका अंदर का जो कैरेक्टर है उसमें से एक कैरेक्टर आपका सेंसरी रिच भी है। ठीक है, आप लोग, मैं कनेक्टेड हूँ, आप लोग सुन रहे हैं? यस सर। ठीक है, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, ठीक है, इसीलिए कैमरा जो है बंद है, अंधेरा है, देखिए बस स्क्रीन की रोशनी आ रही है मेरे चेहरे पे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपका टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन आर्ट है। ठीक है, देखिए इंस्टॉलेशन आर्ट को बेसिकली हम लोग 3 डायमेंशन में ही फीचर करते हैं, वैसे ही समझते हैं, और उसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम लोग लाइट, साउंड, ठीक है, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये साइड स्पेसिफिक होती है, प्लेसनेस का इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, और एक ऑडियंस के लिए स्पेस का, जैसे जहाँ पे वो खड़ा रह के देख सके, महसूस कर सके, उसका भी ध्यान रखा जाता है। इन सब चीजों के आधार पे हम जब इंस्टॉलेशन का डिवीजन करते हैं इसके प्रकार में, तो वो कुछ इस तरीके से है। एक होता है आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग्स के साथ, दूसरा है फाउंड ऑब्जेक्ट के साथ, तीसरा है लाइट एंड साउंड के हिसाब से, चौथा है रेडीमेड्स, पांचवा है स्कल्पचर्स, ठीक है, फिर है टेक्स्ट, और फिर है वीडियो इंस्टॉलेशन। ठीक है, परफॉर्मेंस आर्ट में भी कुछ लोग उसको इंस्टॉलेशन कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना नहीं है उसको डिफरेंट कैटेगरी सेपरेट तरीके से ही देखना चाहिए, तो इसलिए, और हमारे सिलेबस में भी वो सेपरेट ही है, हम लोग वैसे देखेंगे। तो हम, पहला है हमारा टाइप ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो एक इंस्टॉलेशन को आप जो है ड्राइंग्स और पेंटिंग के थ्रू भी फीचर कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मोनिका एक आर्टिस्ट है, ठीक है, इन्होंने 2011 में प्रोजेक्ट 3 किया जो कि उनका ड्राइंग इंस्टॉलेशन था। ठीक है, गैलरी के दीवारों पे ड्राइंग किया, और उसके बाद थ्रेड्स को लेके जो गैप था जहाँ पे दीवार नहीं मौजूद था उसको जो है कंटिन्यू रखा, उस रिदम को बरकरार रखा। दूसरा एक और अच्छा एग्जाम्पल है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, ठीक है, और आर्टिस्ट भी है, डिजाइनर भी है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, ठीक है, उनका नाम है बेन वैन डाइक। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं कि वो अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं उसमें वो वॉल ड्राइंग, कलर और मेटल, मेटल में स्टेनलेस स्टील होता है जिसको वो ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं और उसको वॉल पे स्टक करते हैं और वॉल पे ही पेंट करते हैं। ठीक है, उसका कुछ प्रिंट्स है, मुझे मिला नहीं, मैं दिखाना चाहता था, कि वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इस तरीके के जो इंस्टॉलेशन होते हैं उसमें हम लोग लाइन्स पे बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं। ठीक है, और रिदम जो है एक मेजर एलिमेंट होता है, ताकि वो एक जो मूवमेंट होता है वो बरकरार रहे और आर्टिस्ट, सॉरी, जो दर्शक है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करे, ठीक है, परसू करे, है ना, ये जो है इसका एक क्या बोलते हैं, बेहतर एग्जाम्पल है इसका, ड्राइंग एंड पेंटिंग का। इसके बाद दूसरा आता है फाउंड ऑब्जेक्ट। देखिए इंस्टॉलेशन में फाउंड ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर मीडिया है, मीडियम है, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और एक ये जो ये दो आर्टिस्ट हैं, जॉन कैम्बेरियन और एक में थंडरन, ठीक है, 1989 में इन्होंने एक इंस्टॉलेशन किया, ठीक है ना, इसका नाम नहीं पता, यहाँ नाम नहीं दिया है, जगह का नाम दिया है और उनका आर्टिस्ट का नाम, ठीक है ना। तो उनको जो भी फाउंड ऑब्जेक्ट में जो भी चीजें उनको मिली उसको लेके उन्होंने जो भी उनको मैसेज देना था, जो भी उनको 3 डायमेंशन में शो करना था उसको उन्होंने किया।
देखिए, जो फाउंड ऑब्जेक्ट होता है ना, वो फाउंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंड मतलब मिल गया, जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है आपको, ठीक है, आपको डिस्कार्डेड चीजें मिल सकती है हाउस होल्ड से, आपको ऑफिस से चीजें डिस्कार्डेड मिल सकती है, आपको बहुत सारी नई चीजें भी मिल सकती है जिसका कोई मालिक नहीं है, ठीक है, जिसका कोई ऑनर नहीं है, हो सकते, यही सब चीजों को मिला के हम डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब डिस्कार्डेड ये फाउंड ऑब्जेक्ट जो बोलते हैं, फाउंड ऑब्जेक्ट का जो इस्तेमाल इंस्टॉलेशन में है उसको एज इट इज भी किया जा सकता है, उसको लेके रिसाइकल भी किया जा सकता है, उसकी पंचिंग भी की जा सकती है, उसके डिफरेंट मोल्ड्स लिए जा सकते हैं, ठीक है, उनका उनको वेल्ड भी लोग करते हैं, ठीक है, उसको बांधते, मतलब जो भी तरीका उसको असेंबल करना है, उसमें स्क्रू से होल करके नट बोल्ट से टाइट भी करते हैं, ठीक है, उसको एक के ऊपर रख देते हैं, छोड़ देते हैं, ये भी करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कई आर्टिस्ट एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं कि वो जो इस जगह था ना, वह थ्रो करते हैं, सिंपली थ्रो करते हैं, और जो अरेंजमेंट नेचुरली होता है ना, उसी अरेंजमेंट में भी उसको वो करते हैं, फिर फाइनली, है ना, लेकिन वो पहले वो जो जगह होता है वो पहले डिसाइड करते हैं उनको थ्रो कहाँ करना, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं, जिसका जिसका डिस्क्राइब जो है बिल्कुल डिफरेंट वे में होता है। इसी वजह से वो जो टर्म्स है ना, जो हम लोग कल और आज इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में पढ़े, इसी वजह से वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है, इसी वजह से वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत मुश्किल और समझाना मुश्किल होता है कि जो आपने किया अगर वो स्पॉन्टेनियस है, इंटेंशनल नहीं है, तो आपका मैसेज हो नहीं सकता, प्री डिसाइडेड मैसेज नहीं हो सकते, प्री डिटरमाइंड मैसेज नहीं हो सकता। अगर वो प्लान्ड है तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, ठीक है ना। फिर आप फाउंड ऑब्जेक्ट जो होता है, इसकी इसकी क्वालिटी ही यही होती है कि जो स्पॉन्टेनियटी होता है ना, उसको ये जो है उस चीज को अंजाम देता है ना। अब अगर मान लीजिए फाउंड ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल पॉपुलर मीडिया है, ठीक है, और फाउंड ऑब्जेक्ट से हम कुछ बना रहे हैं तो उसमें स्पॉन्टेनिटी होना अनिवार्यता है। अगर स्पॉन्टेनिटी है तो नथिंग शुड बी प्लान्ड। अगर कुछ प्लान्ड नहीं है तो मैसेज क्या हो सकता है, उसमें नहीं हो सकता, ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि देखिए, जरूरी ये नहीं है कि प्लान्ड जो चीजें हों उसी से आप मैसेज को कम्युनिकेट करो, जो अनप्लान्ड चीजें हैं उसको आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, उससे भी मैसेज दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप इंटरप्रिटेट करेंगे, तो इंटरप्रिटेशन इज डिफरेंट, मैसेज मैनिफेस्टेशन इज डिफरेंट, जो उन दोनों की अलग अलग थियरी है, और वो कहीं से कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे को वो करती हो, सपोर्ट करती हो, वो दूसरे के एक दूसरे को जो है विरोधाभासी है, ठीक है। कैसे, मैसेज जो होता है वो शाश्वत है, मतलब एक व्यक्ति है, एक आर्टिस्ट, एक कलाकार है, वो जो मैसेज अपने कलाकार से देना चाहता है वो उस पर अडिग है कि हाँ यही चीज मैंने बना दिया है। मैंने अगर अपना एक पेंटिंग बनाया, उस पेंटिंग में मैंने एक महिला का चित्रण किया, तो वो महिला ही है भाई, वही सच है। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने फाउंड ऑब्जेक्ट का जो ये आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज की तरह एक अरेंजमेंट किया और मैं बोलता हूँ कि ये महिला है, ठीक है, तो ये मैंने कलाकार, मैंने उसमें महिला को देखा, अगर मैंने प्लान्ड किया है, नाउ इट इज, अगर मैंने प्लान्ड में किया है, तो आई कैन लेट द पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द शेप फिगर ऑफ अ वुमन, ठीक है ना। अगर प्लान नहीं किया है तो हम इंटरप्रेट करेंगे, देखो ये चीज है ना, ये चीज ऐसा हो सकता है, इस वजह से ये एक महिला है, ये एक लेडी फिगर है, ठीक है, तो हम इंटरप्रेट करते हैं। तो जो इंटरप्रिटेशन होता है उससे फिर क्या होता है कि जो ऑडियंस होते हैं, जो रिसीवर होते हैं, वो डिकोड भी क्या करेंगे, अपना इंटरप्रिटेशन लगा, ठीक है। तो वहां पे जो देखिए, अगर आपके पास एक्टिव पार्टिसिपेंट है तब तो ठीक है, वो अपना दिमाग लगाएगा, लेकिन पैसिव पार्टिसिपेंट है तो अगर मान लीजिए आप एक कलाकार है, उसकी कलाकार फिर वो अपना दिमाग नहीं लगाने वाला, आपने बोला उसको कन्विंस हुआ तो ठीक है, नहीं कन्विंस हुआ तो आगे चला जाएगा, तब आप जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस जगह फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो जो फाउंड ऑब्जेक्ट है, इसका इस्तेमाल, ये पॉपुलर मीडिया है और इसका इस्तेमाल लोग बहुत करते हैं, लेकिन इसको लेके बड़ा ये होता है कि मैसेज को लेके क्या है, कैसे है, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा टाइप है वो लाइट एंड साउंड है।
कल मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था कलाकार का, मैं नाम भूल गया, काराकोव, ठीक है, इलाया काराकोव का एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, जो जिसकी जो जो उसका एक था द द टेम्परेचर करके, जो उसका एक इंस्टॉलेशन था जिसमें थाउजेंड्स बम लगा रखे थे उसने। उसकी ये था कि जब कोई भी ऑडियंस उस रूम में एंटर करता था, अचानक से वो सारे लाइट जलता हुआ देख के वो कुछ मिनट के लिए उसको जो है इतना अनकंफर्टेबल हो जाता था, तो उसकी आंखें चौंधिया जाती थी, और कुछ मिनट के लिए उसको बहुत बुरा लगता था। उसका जो था लव रूम करके, ठीक है, जिसमें वो बिना ग्राउंड जो सरफेस उसको टच किए लोगों को बोलता था कि अब जो भी एक्शन है करो, ठीक है, फील करो, महसूस करो, एक्सपीरियंस करो। लोग जो है ना उसमें अपने आप को एक प्रयोगशाला का जो है ना एक ऑब्जेक्ट समझते थे, लेकिन फिर भी लोगों को लगता था मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया, ठीक है ना। उसने वहां पे लाइट्स का यूज किया, साउंड का यूज किया। आर्टिस्ट जो है वो भी जो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है वो लाइट लाइट एंड साउंड का जो यूज करते हैं, तो वो जब हम टाइप के तौर पे इंटरप्रेट करते हैं तो हम कहते हैं लाइट एंड साउंड एक इंस्टॉलेशन का एक प्रकार है, ठीक है। फिर आपका आता है रेडीमेड्स। रेडीमेड्स की शुरुआत किसने की थी? रेडीमेड एक आर्ट मूवमेंट है कि नहीं? सर मार्शल मार्शल ड्यूशाम्प जो है वो मतलब एक अग्रणी कलाकार है, ठीक है, इस मूवमेंट के, ठीक है। तो रेडीमेड में, रेडीमेड जो इसका नाम भी उसी मूवमेंट के हिसाब से ही किया गया है। अब आर्टिस्ट क्या करता है कि वो चीजों को मैन्युफैक्चर्ड जो चीजें होती है, जो बनी हुई चीजें जो उसको प्रोड्यूस किया गया होता है, जिसमें सारे प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन होते हैं, जिसमें एक एम्पैथी लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसका अपना एक यूज होता है, जिसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, ठीक है, उसका अपना एक नेचर होता है, उन गुड्स को जो है लेके मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करके एक इंस्टॉलेशन को बनाता है, ठीक है। हो सकता है उनको आपस में जोड़ दे, हो सकता है उनको आपस में उसको तोड़ मरोड़ के पेश करे, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो आई वाई फॉरएवर 2003 का एक क्या बोलते हैं हम इंस्टॉलेशन है फॉर एवर 2003 का, जिसको आई वाई वाई जो करके कलाकार ने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो साइकिल है वो रेडीमेड चीज है ना, वो एक कंपनी ने प्रोड्यूस किया, उन्होंने उठाया वो यूज किया। सुबोध गुप्ता की जो आर्ट पीसेस हैं, कुछ कुछ आर्ट पीसेस हैं दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ रेडीमेड्स। जैसे कि स्टील के बर्तन को लेके अगर उन्होंने उस पेड़ में, वो डाडा वाला जो उनका है इंस्टॉलेशन, उस पेड़ में वेल्ड नहीं किया होता, जैसे उसका तना है, ठीक है, वो तो उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस किया होगा, लेकिन जो उसमें कढ़ाई है, लोटा है, ग्लास है, दोज आर द रेडीमेड्स, तो कैन बी रेडीमेड्स ना, तो उसको इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन वो रेडीमेड में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्कल्पचर। अब मैंने आपको बोला था कि आज के समय में जो इंस्टॉलेशन के कलाकार हैं वो इंडोर जो है इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जिसको आप उसकी साइज भी इतनी बड़ी नहीं है, डिसम्बलेज की उसमें प्रॉबिलिटी होती है, वो उसको लेके मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम पहले एक कैरेक्टर की बात कर सकते किए थे नॉन कलेक्टेबल, यहाँ पे ये कलेक्टेबल वाली चीज आ जाती है। जब स्कल्पचर आर्टिस्ट होता है वहां पे कलेक्टेबल वाली चीज आ जाती है। होता क्या है कि आप क्या करते हैं, बेसिकली कई सारे स्कल्पचर्स को बनाते हैं, स्कल्पचर्स को बनाने के बाद उनका अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट करके आप जो है जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है, जो आपकी इंटरनल फीलिंग होती है, जो आपके भाव होते हैं, उसको आप एक्सप्रेस करते हैं। उदाहरण के तौर पे एक ये 100 डिफरेंट स्कल्पचर्स को लेके एक अरेंजमेंट किया गया है लाउरी के द्वारा 2006 में, ठीक है। इसका इस आर्टवर्क का, इस इंस्टॉलेशन का नाम है आर्टिस्ट ऑफ सिल्क रोड, ठीक है, विद 100 स्मॉल स्टैच्यू, उसका नाम। तो उसमें क्या है, कलाकार जो है स्कल्पचर्स करता है, जैसे कि मैंने देखा, मुझे नाम नहीं पता है, कुछ आप गैलरीज में अभी अगर कोई इंस्टॉलेशन का एग्जीबिशन हो रहा हो जो करंट प्रैक्टिशनर है उनमें, तो आप देखेंगे
कि वो उसमें उन लोगों की संख्या ज्यादा होगी, काफी मतलब कंसिडरेबल नंबर होगा, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ 50 से ज्यादा होगी 100 में, कंसिडरेबल नंबर होगा जो स्कल्पचर बनाते होंगे या फिर वुड क्राफ्ट कार्विंग करते हैं उसको, है ना, मेटल कास्टिंग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करना, सेरेमिक सीमेंट, इन सब चीजों का यूज करके वो एक इंस्टॉलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट आता है बहुत कम देखने को मिलता है टेक्स्ट अरेंजमेंट्स का इंस्टॉलेशन में, लेकिन ये भी एक अपने आप में एक मीडिया है, इसे जो है ट्रेडिशनल मीडिया बोलते हैं, क्योंकि मिक्स मीडिया में टेक्स्ट का बहुत यूज हुआ है, ठीक है, और मिक्स मीडिया के कुछ कलाकार जो इंस्टॉलेशन किए हैं उन्होंने भी टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के तौर पे आप लेस्ली डिल्स का जो है किल द काम करके ये इंस्टॉलेशन है, उसको देख सकते हैं, ये जो म्यूजियम है यूएसए में है। फिर लास्ट आता है आपका वीडियो इंस्टॉलेशन। वीडियो इंस्टॉलेशन क्या होता है वो आप लोग देखिए, ठीक है। लाइट साउंड वीडियो तीनों चीजें, आप लोग स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो ये वीडियो इंस्टॉलेशन है जो दुनाले में प्रेजेंट किया गया था, और जो इसकी कलाकार उनका नाम है सोनिया फाल्को। साउंड भी आ रहा है आप लोगों को? यस सर, आ रहा है। अगर देखने का मन नहीं होगा तुरंत बोल दीजिएगा, 3 मिनट का है वीडियो। Thank you.
ठीक है। अब इस तरीके के जो वीडियो इंस्टॉलेशंस होते हैं, इस किसी भी तरीके का जो वीडियो इंस्टॉलेशन होता है उसमें एक सेकंड, क्या ये शूट करके बनते हैं डिजिटल? हाँ यही मैं बता रहा था सौरभ। तो जो ये वीडियो इंस्टॉलेशन होता है ना, इसमें कोई शूटिंग, देखिए डिपेंड करता है, शूटिंग भी होती है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो इसके लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके लिए ये जो फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ जैसे बेसिक सॉफ्टवेयर है बिल्कुल यूज़ के नहीं होते हैं। इसमें तीन अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। पहला ग्राफिक को डेवलप करने के लिए, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके लिए जो हमारे 3D 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ब्लेंडर हुआ, ऑटोडेस्क माया हुआ, ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। मैक्स ऑटो कैड का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद साउंड को, साउंड के लिए सोनी साउंड बूथ है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, एडिटिंग के लिए अडोबी प्रीमियर प्रो हो सकता है, ठीक है, आफ्टर इफेक्ट हो सकता है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिसमें जो इस तरीके का जो वीडियो इंस्टॉलेशन आपने अभी देखा, तब जो है वहाँ पे शूटिंग नहीं होता, वहाँ कैमरा इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पे परफॉर्मेंस भी हो रहा है, कोई व्यक्ति भी है, तब वहाँ पे कैमरा इन्वॉल्व होता है। लेकिन यहाँ यही डिफरेंस आ गया कि उसको फिर हम परफॉर्मेंस आर्ट में कंसिडर करने लगते हैं। अच्छा, इस पर एक अलग बहस है, रिसर्च का एक अच्छा विषय हो सकता है कि दोनों को डिफरेंस क्या हो। अगर वो परफॉर्मेंस है तो परफॉर्मेंस क्या है, वो वीडियो इंस्टॉलेशन क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आती है बारी एलिमेंट्स ऑफ इंस्टॉलेशन आर्ट की। तो जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, इसमें से 6 एलिमेंट्स हैं। देखिए साइट स्पेसिफिटी आ गई, जो मैंने बोला था ना स्पेस का, तो एक तो ये एलिमेंट हो गया टेम्पररिटी, जो एक कैरेक्टर था टेम्पररी वाला, वो हो गया सेरेब्रल और इंटरेक्शन प्रोसेस फोटो रिकॉर्ड, ठीक है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। साइट स्पेसिफिटी की जो बात करते हैं, देखिए इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द प्लेस, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी इंस्टॉलेशन के लिए उसका सोल होता है स्पेस का होना। और स्पेस का चुनाव कैसे करते हैं, नेचुरल लाइट क्या आती है, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, आपका जो है ओरिएंटेशन क्या है, स्कल्पचर का ओरिएंटेशन मतलब स्कल्पचर को व्यक्ति देखेगा कहाँ से, ठीक है, सॉरी इंस्टॉलेशन को व्यक्ति देखेगा किधर से, कहाँ से देखना आरंभ करेगा, इंस्टॉलेशन का जो पीक पॉइंट है ना, वो पीक पॉइंट किस जगह है, वहाँ पे जो व्यूअरशिप आएगी वो क्या आएगी, ठीक है ना। थोड़ा जो वर्क है, अच्छा हाँ वो बन सकता है ना सौरभ, ठीक है सौरभ, हाँ वो हो सकता है, हाँ उस तरीके की चीजें हो जाती है, ठीक है। तो वो ओरिएंटेशन जो पीक पॉइंट है उसको आप कहाँ से लेते हैं, वो जो एक व्यू पॉइंट बनेगा, वो व्यूअरशिप जो आती है वो उधर से कहाँ से इफेक्टिवली आ सकती है, इन सब चीज़ों का एक एनालिसिस आप करते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर क्रिटिकल लेवल पे जाके बातचीत करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो इंस्टॉलेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस इंस्टॉलेशन में ये एक मतलब मिक्स इंस्टॉलेशन है, इसमें वीडियो भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है ना। वो जो सेंटर में देख रहे हैं ना, वो ग्राफिकल एलिमेंट, वो वीडियो है, स्क्रीन पे प्ले हो रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है उसको माउंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो पूरा वाइट का पूरा देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा स्क्रीन है, ठीक है। तो अब ये जो कलाकार है रफीक एंडॉल, ठीक है, इनका ये ऑब्जेक्टिव था, ही वॉन्ट टू मेक दैट एम्फोसिस ऑन द नेचर ऑफ कलर, ऑन द पिगमेंट, द बेसिक पिगमेंट, फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज यूज द ब्राइट वन, ठीक है, तो ही वॉन्ट टू इंडिकेट द इफेक्टिवनेस ऑफ ब्राइट वन, ठीक है, उनका पूरा का पूरा जोर वहीं था, इस वजह से उन्होंने जो जगह का चुनाव किया उसमें ये मेक श्योर करने की कोशिश की उसका बैकग्राउंड थोड़ा डार्क, ठीक है ना। तो इंस्टॉलेशन आर्ट में स्पेस को कई नजरिए से हम एनालाइज करते हैं, ठीक है,
सिर्फ उतने तक ही नहीं है कि वो बहुत बड़ा जगह ही होना चाहिए, वहाँ पे बहुत लोग इकट्ठे हो जाना चाहिए, डिपेंड करता है, बिकॉज वी नीड टू स्पेसिफाई द इफेक्ट्स ऑफ प्लेसनेस. सो हाउ कैन वी अरेंज, हाउ कैन वी एग्जीक्यूट ऑल दोज अरेंजमेंट्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टू एग्जीक्यूट द साइट स्पेसिफिटी प्रॉपरली फॉर आर्ट इंस्टॉलेशन, राइट. So next is temporality. ठीक है, it is all obvious that almost all kind of art installation are temporarily. ठीक है, so it has its own element that we can call temporality. ठीक है, जो कि time के साथ इसका connection होता है, time के साथ इसकी belonging होती है. ठीक है, so a space for installation, for how long we require, how many times to communicate our message, that is actually depends on the temporality of the art installation. मतलब कि उसको कितने समय तक रखना है, कभी ना कभी उसको आप remove करते ही है. ठीक है, so this is the another element of art installation art. ठीक है, next one is cerebral. तो cerebral जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है. ठीक है, देखिए सेरेब्रल बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द आइडिया कॉन्सेप्ट और ओरिजिन ऑफ द आइडिया कॉन्सेप्ट. आपने लीड कहाँ से किया इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है, आपने एग्जीक्यूट किया क्या किया. ठीक है, आपको पता है कि आपके पास जो स्पेक्टेटरशिप है, दे विल हैव डिफरेंट सेपरेट इंडिविजुअल सेपरेट experience kind of, they will take away the different thing. ये आपका एक basic, it is ये आपका पहले से एक prior information या knowledge कह लीजिए वो है, but you have that intent to create some installation for public, ठीक है, in the public place for which can be accessible to the public, ठीक है, so how can you generalize all those things, ठीक है. उस वो हाउ का जो आंसर है ना, दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन आर्ट दैट वी कॉल सेरेब्रल. ठीक है, तो ये बहुत मतलब एक आइडिया क्या है, ठीक है, जगह क्या है, लोग कौन है, लोगों की अवेयरनेस लेवल क्या है, लोगों को क्या मैसेज कम्युनिकेट करना है, लोग क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी कैटेगरी वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट द ऑफ द स्पेक्टेटरशिप, मतलब एक्टिव पैसिव के अलावा. ठीक है, सो हाउ कैन वी अरेंज द विजुअल्स सो दैट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दे कैन परसीव डिफरेंट थिंग इन दे कैन परसीव सेम थिंग इन देयर ओन वे. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द सक्सेस ऑफ द आर्टिस्ट टू मैनिफेस्ट ऑल दोस थिंग विद थ्रू द इंस्टॉलेशन आर्ट. ठीक है, सो फॉर ऑल काइंड ऑफ दिस, हाउ ऑल काइंड ऑफ दिस अरेंजमेंट, द वे वी आर गोइंग टू discuss about all, so we keep maintaining this element of installation art. ठीक है, ये जो आपको इसमें आर्ट वर्क दिख रहा है, ये एक आर्ट एक स्टूडेंट का वर्क है. ठीक है, सो ही हैज फाउंड वन स्पेस विद द विंडोज काइंड ऑफ कबोर्ड एंड ही एम्बेलिश with the LED lights over there. ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अमेरिका का मैप है ना. सो ही मतलब उस स्टूडेंट का ये एक आइडिया था ना, आई वॉन्ट टू लेट द पीपल अंडरस्टैंड अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द यूएसए. उसी हिसाब से उसने चीज़ों को अरेंज किया, उसको वहाँ पे दिखा, उसने उसको परसीव किया और कुछ कुछ चीज़ों को उसने पीछे बैकग्राउंड में ऐड किया. ठीक है, जैसे उसने क्या किया कि वुड फ्रेम बना के उसमें जो ग्लास होता है ना, थिक ग्लास, उसका उसको जो है प्लेस किया, प्लेस करने के बाद उनके डिफरेंट अरेंजमेंट के ऊपर एलईडी लाइट को एम्बेलिश किया. ठीक है, तो इट वाज हिज आइडिया कि इन दिस वे पीपल कैन अंडरस्टैंड, पीपल कैन फील द सेपरेशन, पीपल कैन फील द आइडिया, द कॉन्सेप्ट. ठीक है, दे माइट हैव सम क्वेश्चंस that can be arose in their mind so that they can ask me so that I can explain. Okay,
आफ्टर सेरेब्रल इट इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन. एवरी टाइम वी विल टॉक अबाउट इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्ट वर्क, क्योंकि वही आपका जो है ऑब्जेक्टिव होता है. आप एग्जीबिशन शायद ऐसा बहुत कम होता है कि जब एक आर्टिस्ट डिस्प्ले करता है, एग्जीबिशन करता है आर्ट वर्क का, तो उसके लिए उस आर्ट पीस का बिकना ही प्रायोरिटी हो. ऐसा बहुत रेयर होता है. उसकी प्रायोरिटी होती है कि लोग मेरे आर्ट वर्क को देखें, जो संदेश मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ उस संदेश को प्राप्त करें. उस संदेश को प्राप्त करने का एक आर्ट का साइकिल होता है ना. एक आर्ट का एक साइकिल होता है, उसी साइकिल में सब होता है. उस साइकिल में क्या होता है कि फर्स्ट आर्टिस्ट, मतलब मैं एक सवाल पूछूं, अगर आप कलाकार हैं तो आप बताइए कि आपके पास कैनवास है, ठीक है, आपके पास ब्रश है, आपके पास कलर पैलेट है, यूजल है, आपके पास एक अच्छा सा चेयर है डिफरेंट साइज के, आपको जिस भी ऊंचाई पे बैठना है बैठ सकते हो, ठीक है, यू कैन एडजस्ट एनीथिंग, आपके बगल में वॉश मशीन है, खाने पीने की चीजें सब कुछ रेडी है, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता कहीं से भी, ये सब चीजें अरेंजमेंट है. हाउ आर गोइंग टू, हाउ कैन यू प्लान, हाउ यू विल स्टार्ट डूइंग द पेंटिंग या मेकिंग एनी आर्ट वर्क, वो कैसे स्टार्ट करेंगे बताइए. जो पहले से प्लान किए होंगे उसके हिसाब से, किसके हिसाब से, जो पहले से माइंड में एक प्लान होगा उसके हिसाब से. हाँ, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास. वो बेस है, उसी कॉन्सेप्ट को मैनिफेस्ट करते हैं. नहीं, जब उस कॉन्सेप्ट को आप परसीव करते हैं ना, उसको परसीव करते समय आप उस कॉन्सेप्ट का जो पूरा एक जो विजुअल आप जो इमेजिन करते हैं, जो विजुअल जो आपके कैनवास पे बनने वाला है, ठीक है ना, उस विजुअल को परसू करते समय आपके दिमाग में जो चीजें चल रही होती है, जो आधार या फंडामेंटल या बेसिक्स बोल लीजिए जो बन रहे होते हैं, उसमें हर बार ये होता है कि जब कोई भी व्यक्ति इसे देखेगा तो क्या वो ये इससे ये समझेगा, उससे उसको ये समझ में आएगा, इस एलिमेंट से उसको ये समझ में आएगा, तो या इस एलिमेंट से आदमी नॉर्मल आदमी ये समझता है, एक स्पेसिफाइड आदमी ये समझता है, तो मेरा टारगेट नॉर्मल है या स्पेसिफाइड है, तो उसके लिए मुझे इस एलिमेंट का यूज करना चाहिए. तो आपका जब वो कॉन्सेप्ट क्रिएशन होता है ना, उस फेज में हर एक स्टेप में यू आर थिंकिंग अबाउट, यू हैव थॉट, यू हैव बीन कीप थिंकिंग ऑन, ठीक है, कि हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, हाउ पीपल कैन थिंक अबाउट, थिंक आर परसीव फ्रॉम सम विजुअल एलिमेंट डिफरेंटली, ठीक है, एंड व्हाट इज द प्रोमिनेंट एलिमेंट एंड व्हाट प्रोमिनेंट एलिमेंट आई कैन यूज, आई कैन इम्प्लीमेंट, ठीक है. तो हर वक्त तो वही था ना, आपके दिमाग में थोड़ी आया था कि आप इसको बेचेंगे. अगर ये आता तो कस्टमर जो होता ना, पेंटिंग जो खरीदता है ना, तो सोचता है कि अरे यार मेरे दीवार पे ना वो दीवार का जो कलर है ना वो पीला है, अगर इस पे मैं नीले रंग के पेंटिंग लगाऊंगा ना तो बहुत अच्छा दिखेगा, तब तो जाएगा नीला ही पेंटिंग लेगा. आपको पता तो है नहीं, आप अंतर्यामी तो है नहीं कि आपके पास एक आदमी आने वाला है वो नीला पेंटिंग लेगा, ठीक है. आप हमेशा क्या सोचते हैं कि जो संदेश, जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया मेरा है, वो आइडिया मेरा कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है. इंस्टॉलेशन में वही होता है, और वो अगर कम्युनिकेट हो रहा होगा तभी आपका इंटरेक्शन होगा, ठीक है, नहीं तो आपका इंटरेक्शन शायद सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ना हो पाए, बीच में ब्रेक हो जाए, है ना. तो आप क्या करते हैं, जो फिजिकल स्केल होता है उसका, मतलब फिजिकल स्केल में वो सारी चीजें आएंगी, जो प्लेस है, स्पेस है, उसका साइज, उसका डायमेंशन, आपके आर्टवर्क का डायमेंशन, लोगों का डायरेक्शन, आई लेवल, आई पॉइंट, व्यू पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, एवरीथिंग विल कम देयर, ठीक है, दैट ऑल दोस थिंग विल बी कंसीडर इन टर्म ऑफ फिजिकल स्केल. उसका अलाइनमेंट आप करते हैं कॉग्निशन से, विच इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है, डिकोडिंग द मैसेजेस, है ना, थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स, इंटरैक्टिंग, है ना, थिंकिंग अबाउट दोज थिंग, मेकिंग सम डिसीजन हिज ओन माइंड, टेकिंग एक्शन विद दोज डिसीजन एंड द चेंज, द शिफ्ट इन द बिहेवियर, मे बी अगर हुआ तो, ठीक है. और ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है ना, इस एग्जीक्यूशन में वो इंटरेक्शन ही नहीं था, ठीक है ना. तो इंटरेक्शन विल बी ऑलवेज द प्रोमिनेंट फीचर, इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन बोथ विल बी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द इंस्टॉलेशन आर्ट,
ठीक है, एक बार को ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने स्पेस के साथ समझौता कर लिया, मीडियम के साथ समझौता कर लिया, लेकिन वो इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन का होना दैट इज मैंडेटरी। ठीक है, द नेक्स्ट एलिमेंट इज अबाउट प्रोसेस। प्रोसेस जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए आप मेटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं सीलिंग पे पीपल, और आप ये सोचते हैं पीपल विल सी दोज ऑल ऑल द इंस्टॉलेशन एंटायर एलिमेंट बाय स्टैंडिंग जस्ट ऑन द बॉटम ऑफ दोज अरेंजमेंट। ठीक है, अगर आपका प्रोसेस सही नहीं हुआ ना, एक भी अगर मेटल का टुकड़ा गिरा ना, किसी को जरा सा खर्च हो आपके ऊपर मुकदमा करेगा कि नहीं मुकदमा। ठीक है, इसलिए प्रोसेस का, सही प्रोसेस का, अप्रोप्रिएट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है। ठीक है, इसीलिए इसको एलिमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन आर्ट का एक एलिमेंट माना जाता है। ठीक है ना, आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, हम फाउंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, अब मान लीजिए एक प्लास्टिक का है टिन कंटेनर है, उसके साथ एक मेटल का कंटेनर है, उन दोनों को अगर आपको कंबाइन करना है, ठीक है, परमानेंटली जोड़ना है, वेल्डिंग थोड़ी कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे तो पिघल जाएगा प्लास्टिक वाला। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसको ना स्टक करने का सबसे सही तरीका शायद ये हो कि दोनों में होल करो, नट बोल्ट लगा के टाइट कर दो। ठीक है ना, है ना, और जो आप दिखाना चाहते हैं वो सही वो दिखे। ठीक है ना, इसलिए प्रोसेस मस्ट बी अंडरटेकन विच रियलाइजेस द एंड ऑफ प्रोडक्ट, मतलब फाइनली वो दिखेगा कैसा आपका इंस्टॉलेशन। यू हैव एन इमेजिनेशन ना, उसके लिए आप पहले ड्राइंग करते हैं, जैसे आप पेंटिंग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा सा ऐसा हो सकता है कि आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो वो कैनवास पे, लेकिन फिर भी आपको सजेस्ट यही किया जाता है ना जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं कि जाओ A4 साइज पे एक पहले लेआउट बनाओ, फिर उस लेआउट को बनाना। तो हम लेआउट क्यों बनाते हैं, सो दैट वी कैन, और आपके जो भी टीचर है तो टीचर दे कैन अंडरस्टैंड अबाउट द एंड प्रोजेक्ट प्रोडक्ट, एंड वाला इंस्टॉलेशन, एंड वाला आर्टवर्क, बनने के बाद क्या दिखेगा, चीजें सही नहीं रहेगी तो अभी हटा देते हैं, है ना। तो इसलिए प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर प्रोसेस द फोटो रिकॉर्ड, ठीक है, इंस्टॉलेशन के संदर्भ में ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि इंस्टॉलेशन टेम्पररी होता है ना, है कि नहीं। सो यू एनी इंस्टॉलेशन आर्ट ही रिक्वायर्ड टू ट्रेस एवरीथिंग रिलेटेड विद दिस इंस्टॉलेशन। ठीक है, ही वॉन्ट टू ट्रेस एवरीथिंग, एवरी फुटप्रिंट ही वुड लाइक टू टेक। फॉर दैट ही वी हैव वेरी वेरी यू नो ब्यूटिफुल गुड इन्वेंशन दैट इज कैमरा। सो वी यूटिलाइज कैमरा टू टेक द मल्टीपल फोटोग्राफ्स, यू ऑल्सो डू द वीडियो शूट। ठीक है, उसके बाद हम उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं क्योंकि वो इंस्टॉलेशन एक बार हट जाएगा, अगर परमानेंटली होगा भी तो भी मेरे साथ नहीं है। ठीक है ना, तो ये एक एलिमेंट हुआ। इसके बाद सवाल ये आता है कि हम लोग इंस्टॉलेशन आर्ट करते क्यों है। ठीक है, देखिए इंस्टॉलेशन आर्ट करने के तीन जो है मेन कारण है, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, इंस्पिरेशन और इमोशन। ठीक है ना, क्योंकि आप हमेशा ये उम्मीद, मतलब कोई भी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट होता है, ही ऑलवेज एक्सपेक्ट कि हिज इंस्टॉलेशन कैन इन्फ्लुएंस द पीपल, कैन पुट सम इम्पैक्ट ऑन द कॉमन, ऑन द जनरल परसेप्शन, जनरल कॉग्निशन। इन दैट केस इट इज वेरी नेसेसरी टू टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ कंसेप्चुअल। ठीक है, सो दैट वी हैव थ्री मेन रीजन, सो दैट we have mainly three reasons for creating any kind of installation art, which include critical thinking, inspiration and emotion. It is the first, critical thinking. जब आप किसी से भी पूछेंगे ना, किसी भी आर्ट इंस्टॉलेशन से, आर्टिस्ट से पूछेंगे कि आपने किया क्यों, ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू लेंगे, बातचीत करेंगे या उसका इंटरव्यू देखेंगे, उसका इंटरव्यू लेने वाला कोई व्यक्ति उससे पूछेगा आपने क्यों किया, ही विल आंसर ऑलवेज दैट आई नीड टू पुट सम इंटेंस एंड आई वांट टू क्रिएट, आई वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग दैट कैन बी अ थॉट प्रोवोकिंग फॉर द व्यूअर्स। ठीक है ना,
एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं डोरिस कैल्टेट का, उन्होंने अपने इंस्टॉलेशन में सिर्फ डेथ, वॉर, वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इन सब चीजों को यूज किया, ठीक है ना, क्योंकि वो इन चीजों को समस्या मानते थे, और इन चीजों के निवारण के लिए उनका प्रथम जो उपाय उनको जो सूझा था वो यही सूझा था कि आई हैव टू कन्वे समथिंग दैट कैन बी थॉट प्रोवोकिंग, जो उनके दिमाग में, जो उनको सोचने पे मजबूर कर दिया, है ना। तो इसके लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, है ना। वैसे ही दूसरी एक आर्टिस्ट है जूडी शिकागो, ठीक है, उनके हर एक वर्क में आप फेमिनिज्म पाते हैं, बिकॉज ही इज, भाई जाहिर सी बात है, जो फेमिनिस्ट होगा वो महिलाओं के अधिकारों का वो अधिकारों पे मुखर होगा, ही विल ऑलवेज कीप टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। हिज वन आर्ट पीस द डिनर पार्टी इज क्रिटिकली एक्लेम्ड एंड वर्ल्ड रिनाउंड, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। आप उन चीजों को एब्स्ट्रैक्ट ही लेते हैं, लेकिन आपका वो उसके पीछे का क्रिटिकल थिंकिंग होता है। ऑन द अदर वे, इफ आई डिस्क्राइब द क्रिटिकल थिंकिंग एज अ नीड ऑफ इंस्टॉलेशन आर्ट, सो आई कैन कम्युनिकेट दिस एज अ आइडिया एंड इम्पैक्ट ऑफ देम दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द इंस्टॉलेशन इटसेल्फ, ठीक है। एज एन आर्टिस्ट, इट इज आर्टिस्ट हु इज की प्रेजेंटिंग द मैसेजेस वे ऑफ द पीपल कैन थिंक, ठीक है ना। ऑलराइट, क्योंकि बिकॉज इंस्टॉलेशन आर्ट का हमेशा एक उद्देश्य होता है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो फोकस है उसको शिफ्ट करें, ठीक है, ताकि वो जो पीस ऑफ कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स है ना उसका, इंस्टॉलेशन आर्ट का, वो उनको समझ में आए, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इंस्पिरेशन, ठीक है। So installation piece are not confined to wall of museum or gallery. सिर्फ उसके लिए नहीं बना हुआ होता है, ठीक है। इसी वजह से mostly art installation they desire to keep thinking to install, to create, to many, to install their artwork, their installation art out of the room, out of the building, ठीक है, जहाँ पे लोग वो देख सके, feel कर सके, महसूस करें। So that many people, as many people can be, they can get some inspiration from there. Okay? Wait. ये क्या बोलते हैं, आई वाई का जो है ये चेन लिखा हुआ चाइना का था, ठीक है, उनका एक ये है, गुड फेंस मेक गुड नेबर्स, ठीक है, ये वाला है, गुड फेंस कैन गुड नेबर, ये वाला जो आपको इंस्टॉलेशन दिख रहा है, ठीक है। डेली लाइफ में इंस्पायर करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, चेंज के लिए मैंने काफी एक्सप्लेन किया इसके बारे में। फिर आपका तीसरा, आपका जो नीड है वो इमोशन है। इंस्टॉलेशन आर्ट कैन हैव सम डार्क थीम बिहाइंड इट्स क्रिएशन, कल्चरल इशू, पॉलिटिकल इशू, वॉर, डेथ, ऑपरेशन, कई सारे डिप्रेशन, सप्रेशन, सो मेनी थिंग्स कैट कुड बी देयर, ठीक है, इमोशन इन्वॉल्व हो सकता है। सो दैट एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट का ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने आर्ट के थ्रू जो इमोशंस है ना उसको इवोक कर सके, है ना। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द कॉमन परसेप्शन अबाउट विद एनी थिंग, एनी जो भी ऑर्थोडॉक्सिकल प्रैक्टिसेस वी हैव दैट वी आर फेसिंग, ठीक है, इफ वी नीड टू चेंज देन वी हैव एनी हाउ वी हैव टू लेट देम अंडरस्टैंड थ्रू इमोशन। जब इमोशनली कनेक्टेड होंगे ना उसके प्रॉब्लम के साथ, उसके सोल्यूशन के साथ, देन विल दे, कुछ उनके माइंड में ऐसा इम्पैक्ट होगा या फिर कुछ भी ख्याल ऐसा आएगा कि दे विल टेक सम डिसीजन। अल्टीमेटली वही आपका गोल होता है जब आप मैसेज मैनिफेस्टेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है, वाई इज इंस्टॉलेशन आर्ट अ नीड, इंस्टॉलेशन आर्ट की जरूरत क्यों है। देखिए, इंस्टॉलेशन आर्ट की जरूरत सिर्फ इसी वजह से है कि सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक आवाज की जरूरत होती है, ठीक है, और उसकी आवाज इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट बन सकती है। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड ऑफ इंस्टॉलेशन आर्ट,
ठीक है, क्योंकि इसको पब्लिकली हम वो करते हैं। जब कभी आपको प्रपोजल बना रहा हूँ, मैं इसको भगा रहा हूँ क्योंकि टाइम हो गया है, ये पेटा वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ और भी है देन हम लोग नेक्स्ट डे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस ठीक है प्रवीण जी, सर, सौरभ, ओके देन आई सी यू टुमारो और नेक्स्ट डे। टुमारो इज संडे।